दोस्तों एक चीज आपने जरूर नोटिस करी होगी कि आजकल ट्रेंड चल रहा है एयरबड्स का। लोग ले लेते हैं दो वायरलेस एयरबड्स और उसके बाद में उसको यूज करना शुरू कर देते हैं। आजकल बहुत सस्ते भी आ रहे हैं। मैंने 800-900 रुपए के लिए थे, यूज तो किए कुछ दिन, लेकिन एक कहीं पर गुम हो गया जिसके बाद में अब एक को ही लिए फिर रहा हूं मैं। तो यहां पर अगर लो तो कुछ ऐसे लो जिसको आप एटलीस्ट ढूंढ तो सको, ट्रैक तो कर सको कि एक कहां पे और दूसरा कहां पे है। तो यहां पर आपने देखा होगा कि एप्पल के जो एयरबड्स आते हैं वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन उसके अंदर फीचर भी तो वैसा ही होता है कि आप उसको ट्रैक कर सकते हो कि वो कहाँ पे है, क्योंकि आईफोन के अंदर फाइंड माई डिवाइस का ऑप्शन होता है जहाँ पर आप जाके पता लगा सकते हो कि आपका एयरपोर्ट कहाँ पे पड़ा हुआ। अब यही सेम फीचर गूगल ने भी अपने पिक्सल बर्ड्स में दे दिया है, जो कि इंडिया के अंदर मौजूद ही नहीं है, लेकिन जब भी इंडिया के अंदर आएगा तो शायद आपकी नज़रें इस पर जाएंगी, क्योंकि गूगल ने भी फाइंड माई डिवाइस के अंदर, चाहे वो ऐप्स हो चाहे वो वेब पेज हो, वहाँ पर इसको भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जहाँ पर आप इसकी लोकेशन भी ट्रैक कर सकते हो कि ये कहाँ पर है। आप कई तरीके की वेबसाइट्स पे जाते होंगे जहाँ पर आप फिक्र भी नहीं करते होंगे कि वो वेबसाइट सिक्योर है या फिर नहीं है, बस जाते हैं वहाँ से कुछ डाउनलोड करके ले आते हैं। और कई सारे लोग कई फॉर्म भी फिलअप करते होंगे कि लिखा होता है कि प्रमोशन चल रहा है, यहाँ पर ये फॉर्म फिलअप कर दो जिसके बाद में आपको ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो क्रोम ब्राउजर को यूज़ करने वाले यूज़र हैं उनके लिए एक अच्छी अपडेट बहुत ही जल्द आ जाएगी कि अगर उनको मालूम भी नहीं है कि वो पेज सिक्योर है या फिर नहीं है, तो क्रोम ही खुद बता देगा कि ये पेज अनसिक्योर्ड है, जहाँ पर आपको एक वेब फॉर्म मिल रहा है भरने के लिए, आप डाल देते हो उसमें अपनी इंफॉर्मेशन, तो वहाँ पर अब आपको क्रोम भी थोड़ा सा सपोर्ट करेगा, क्योंकि क्रोम के अंदर एक ऑटो फिल का ऑप्शन होता है जिसमें आप फॉर्म पे बस क्लिक ही करते हो कि पूरा फॉर्म आपका वो ऑटोमेटिकली भर देता है, क्योंकि उसको पता होता है आपकी डिटेल वगैरह क्या है, अगर आप में से कई लोगों ने यूज़ भी किया हो इसको। तो यहाँ पर अगर जिस वेब पेज पे आप गए हो और आपने ध्यान नहीं दिया कि वो HTTPS नहीं है, तो क्रोम ब्राउज़र आपको खुद कहेगा कि भैया ये पेज सिक्योर नहीं है, यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर की सिक्योरिटी नहीं है, तो आप यहाँ पर जो भी कर रहे हो थोड़ा देख लेना, क्योंकि ये सिक्योर नहीं होगा। और इसी के साथ साथ वहाँ पर आपको ऑटोफिल का सपोर्ट भी क्रोम नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है कि ये पेज सिक्योर नहीं है, तो यहाँ पर आपकी वो मदद नहीं करने वाला ऐसी जगह पे जहाँ पर रिस्क हो सकता है आपकी इंफॉर्मेशन लीक होने का। और इसी के साथ साथ आने वाले वक्त में 2021 जनवरी से माइक्रोसॉफ्ट भी इंटरनेट एक्सप्लोरर को कोई सपोर्ट नहीं करेगा, कोई अपडेट नहीं आएगी, तो इसका भी अंत अब नज़दीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करने वाले यूज़र तो खैर बहुत कम है ही, लेकिन जो यूज़ कर रहे हैं वो अब स्विच हो जाओ क्रोम पर। फॉर्टनाइट, जो कि मोबाइल की एक बहुत ही पॉपुलर गेम है जिसके बारे में अगर आपको मालूम है, उसको एप्पल ऐप स्टोर से और इसी के साथ साथ गूगल प्ले स्टोर से निकाल दिया गया है, क्योंकि इन्होंने अपनी गेम के अंदर इन ऐप परचेज का जो ऑप्शन था उसको ऐसा कर दिया था कि पेमेंट इनको डायरेक्टली जाती थी, 30% का कमीशन एप्पल और गूगल का नहीं कटता था, जिसकी वजह से इन्होंने इस एप्लीकेशन को किक ऑफ कर दिया था अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर से, जहां पर एप्पल ने कहा है कि हम बहुत ही जल्द तुमसे अपना डेवलपर टूल भी ले लेंगे, जो कि आखिरी डेट होगी 28 अगस्त, जिसके लिए एपिक गेम्स ने कोर्ट में अपील की है कि हमारे साथ ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, ये गलत होगा, लेकिन एप्पल ने कहा है, उन्होंने अपने लिए खड्डा खुद ही खोदा है हमारी गाइडलाइंस को वॉयलेट करके, और उनके लिए एक मौका ये है कि वो एक ऐसी अपडेट लाएं जिसमें वो इस इशू को फिक्स कर दे, जिसके बाद में उनकी गेम वापस ऑनलाइन आ जाएगी एप्पल ऐप स्टोर के ऊपर। तो यहाँ पर एपिक गेम्स ने इसके लिए भी अपील कर दी है कोर्ट में कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बजाय अपनी गेम की अपडेट लाने के जिसमें एप्पल की गाइडलाइन के हिसाब से उसको 30% जो कमीशन मिलना चाहिए वो मिलता रहे हर परचेज के साथ में जो भी गेम्स के अंदर होती है। कोरोना वायरस को लेकर अब तक आपको शायद इतना ज्यादा गुस्सा नहीं आया होगा, लेकिन अब आएगा। देखो कैसे आता है गुस्सा, मैं बताता हूं। COVID-19 की शुरुआत कहां से हुई? चाइना के वुहान से। COVID-19 की वैक्सीन कौन बना रहा है अब? कहता है चाइना। मैं बहुत तेजी से बना रहा हूं और मैंने बना भी दी है और मैं बहुत ही जल्द दिसंबर में ले आऊंगा। रशिया की कब आएगी? रशिया की जनवरी में आएगी, मैं दिसंबर में लाने वाला हूं, लेकिन इसके दो शॉट्स पता है मैं आपसे कितने के लूंगा? 10,000 के। 10,000 रुपए लूंगा दो शॉट्स के। वाह, टकीला की शॉट मरवा रहे हो। एक तो बीमारी फैलाओ, उसके बाद में लूटो। जैसे कि आपको मालूम होगा कि ये कहा जा रहा है कि भैया जो भी COVID-19 की वैक्सीन बना देगा उसको पेटेंट फ्री करना चाहिए इसको, जिससे कि होगा ये कि ह्यूमैनिटी सेव होगी, बजाय इसके कि
कमाई हो सके। जैसे कि आपको मालूम होगा पोलियो की जब वैक्सीन आई थी तो उसको पेटेंट फ्री रखा गया था ताकि सारी दुनिया में वायरस ना फैले। लेकिन अब अगर कोविड 19 को कोई कंपनी पैसे कमाने के लिए यूज करती है और दवाई बनाने के बाद में उसको पेटेंट फ्री नहीं रखती है, तो यहाँ पर इससे साफ जाहिर होता है कि वो सिर्फ कमाने के लिए वैक्सीन बना रहे हैं, ना कि किसी इंसान की जान बचाने के लिए। एलोन मस्क के स्टारलिंक प्रोजेक्ट के बारे में तो आपको मालूम ही होगा, जिसकी बीटा टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। जैसा कि मैंने आपको कुछ टाइम पहले ही बता दिया था कि इसकी बीटा टेस्टिंग शुरू हो चुकी है, जहां पर रजिस्ट्रेशन के लिए भी लोगों को अप्लाई करने को कहा था इन्होंने। तो यहां पर पता नहीं, इंडियंस को तो इन्होंने शायद नहीं चुना, लेकिन अपनी ही कंट्री और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज के लोगों को चुना, जहां पर स्पेस एक्स ने करीबन 600 सैटेलाइट अब तक पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट में भेज दिए हैं, जहां पर उन्हीं से ये काम चला रहा है इस बीटा टेस्टिंग के अंदर। लेकिन भेजनी तो खैर 12,000 है, तो यहां पर स्पीड टेस्ट का रिजल्ट कुछ इस तरीके का है, जहां पर मैक्सिमम स्पीड जो डाउनलोडिंग की है वो देखने को मिल रही है 60 Mbps और 17 Mbps की मैक्सिमम अपलोड देखने को मिल रही है। हालांकि पिंग्स काफी ज्यादा हाई हैं, जो कि अगर सबसे ज्यादा की बात करें वो 94 पे जा रहे हैं और लोएस्ट की बात करें वो 31 पे जा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा खराब है कोई भी ऑनलाइन गेम खेलने के लिए। लेकिन फिर भी ये बीटा टेस्टिंग और फर्स्ट फेज में है, तो यहां पर माफ किया जा सकता है इसको। लेकिन 12,000 सैटेलाइट जब पृथ्वी को ऑर्बिट कर रही होंगी तो शायद सिनारियो कुछ और ही होगा, क्योंकि यहां पर वादा कुछ 1 Gbps के इंटरनेट का है SpaceX का। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी इंफॉर्मेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।